समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा के जाने माने कद्दावर नेता व सपा सरकार के पूर्व मंत्री व विधायक रह चुके मूलचंद चौहान का पार्टी ने धामपुर विधानसभा सीट से टिकट काटकर नूरपुर के मौजूदा विधायक नईमुल हसन को धामपुर से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया है। जैसे ही इसकी खबर मूलचंद चौहान के समर्थकों को लगी तो दर्जन भर गाँवों में सैकड़ों लोगों ने नईमुल का विरोध प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार करते हुए आत्मदाह की चेतावनी दे डाली। बिजनौर की धामपुर विधानसभा सीट के जाने माने पुराने सपा के चेहरे कहे जाने वाले मूलचंद चौहान किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। पिछले 26 सालों में सिर्फ सपा का दामन थामे रहने वाले 70 वर्षीय मूलचंद चौहान का टिकट काटने के बाद राजनीतिक समीकरण भी बदलने शुरू हो गए हैं। सपा के मूलचंद चौहान का सियासी सफर 1996 से शुरू हुआ था। सपा के मूलचंद ने बसपा की अजय बाला को हराकर पहली बार विधायक बने थे। साल 2002 में सपा के विधायक बने, साल 2012 में विधायक बने और राज्य मंत्री भी रहे। साल 2017 में मोदी लहर में मूलचंद चौहान भाजपा के अशोक राणा के सामने टिक नहीं पाए और हार का मुंह देखना पड़ा। अचानक मूलचंद के टिकट कटने के बाद राजनीतिक गलियारों में मूलचंद के समर्थक सड़कों पर आकर रोजाना नईमुल हसन का पुतला फूंक रहे हैं। जी, मेरा नाम फैजान अहमद है। दरअसल मैं खुद मोमडन हूँ, जबकि टिकट मोमडन का हुआ है, मगर स्थिति देखते हुए विधानसभा की धामपुर विधानसभा की स्थिति क्या है, अगर धामपुर विधानसभा को सीट जीत सकते हैं तो वो ठाकुर मूलचंद चौहान है, वरना अन्यथा अगर टिकट ठाकुर मूलचंद चौहान जी को नहीं होता है तो सीधे सीधे चौलाई का लड्डू बीजेपी के हाथ में जा रहा है, ठीक है। और इससे ये भी मैं बात बता देता हूँ आपको कि सिर्फ धामपुर विधानसभा सीट ही नहीं, पूरे जिले पे फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। पूरे जिले की 8 की 8 सीट खतरे में है, इसलिए हमारा अनुरोध है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि समाजवादी पार्टी से टिकट ठाकुर मूलचंद चौहान जी को दिया जाए। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मूलचंद जी से 1995 से जुड़े हुए हैं, ग्राम बाजीपुर नींदूर से पूर्व प्रधान हूँ और पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं। हम जो हमारे मूलचंद जी के लिए टिकट का वादा किया गया था और 5 साल से हम उस पर मेहनत कर रहे थे और अच्छी पोजीशन, सबसे अच्छी पोजीशन अगर जिला बिजनौर में किसी सीट पर है तो धामपुर विधानसभा में मूलचंद जी की है। और मूलचंद जी ने समाजवादी पार्टी को पूरे जिले के अंदर अगर निंदा रखा है तो श्री मूलचंद जी ने रखा है, इसलिए हम माननीय अध्यक्ष जी अपने अखिलेश जी से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मूलचंद जी का टिकट ना काटा जाए। अगर उनका टिकट काट करके यहाँ नईमुल हसन को टिकट दिया जाता है तो गारंटी से बता रहे हैं कि वो चौथे नंबर पर जाएंगे। उनका बहुत भारी यहाँ पे विरोध है क्योंकि यहाँ पे जो भी मेहनत की है माननीय मंत्री जी ने की है और सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं और इसी सीट पर नहीं, जिला बिजनौर की 7 सीटों के ऊपर जो है इसका असर पड़ेगा। मैं उदल सिंह चौहान जी पार्टी में विगत 30 वर्षों से सक्रिय हूँ। पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए आज मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। पार्टी का 5 साल जिला महासचिव रहा और पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। हमेशा पार्टी के लिए काम किया है। आज ये टिकट वितरण जिले में हुआ है, माननीय मूलचंद जी का काट कर नईमुल हसन जी को दिया गया है, इसका पूरे धामपुर विधानसभा में भयंकर विरोध है और इन परिस्थितियों में नईमुल हसन साहब चुनाव नहीं जीत पाएंगे। हो सकता है वो 30 नंबर पर यहाँ से नंबर पाए, लिहाजा मैं पार्टी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करता हूँ कि माननीय मूलचंद चौहान जी को उनका हक मिलना चाहिए और टिकट मूलचंद जी का होना चाहिए। देखिए, धामपुर विधानसभा पे माननीय ठाकुर मूलचंद चौहान जी ने पूरे 5 साल मेहनत की है और उन्हें इस धामपुर विधानसभा पे हर वर्ग का वोट मिलता नजर आ रहा है। जो ये सीट बीजेपी के पास थी, ठाकुर मूलचंद चौहान जी इसको बिल्कुल एक तरफा जीतने जा रहे थे, लेकिन नईमुल हसन का टिकट होने से जहां पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा है और ये सीट सीधी सीधी बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है, इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से वापसी ठाकुर मूलचंद चौहान जी को हो और वो ये सीट निकालने में कामयाब होंगे, अन्यथा समाजवादी पार्टी को ये सीट खो देनी पड़ेगी अपनी।